चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का ट्रेलर का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वह ट्रेलर जारी कर दिया गया। जी हां, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस ट्रेलर का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर बेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है और फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही पूरी तरह से यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस ट्रेलर को सभी भोजपुरी दर्शक पसंद कर रहे हैं। खास करके पवन सिंह के फैंस इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में जहां पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज एक बार फिर से नजर आ रहा है, तो वहीं गोरखपुर में हादसा हुए बच्चों पर आधारित कहीं ना कहीं फिल्म में झलक दिखाई गई है। जी हां, 50 से ज्यादा बच्चों की मौत जो गोरखपुर में हुआ था उस पे आधारित कुछ फिल्म को दर्शाया गया है जो ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है। साथ ही साथ फिल्म में बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत का बिल्कुल एक्शन अंदाज नजर आ रहा है, तो वहीं विलन के अवतार में नजर आने वाले भोजपुरी के और भी बड़े कलाकार फिल्म में नजर आते हैं। फिल्म में पवन सिंह के साथ निधि झा, संचिता बनर्जी का सभी का अभिनय ट्रेलर में डाला गया है। साथ ही साथ निधि झा एक बार फिर से पवन सिंह के साथ जोरदार आइटम तड़का करते हुए नजर आती है, तो वहीं पहली बार पवन सिंह के साथ चांदनी सिंह का जोरदार आइटम सॉन्ग भी डाला गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक क्रैक फाइटर का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप भी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर फिल्म का ट्रेलर जरूर देखें, क्योंकि वाकई में ही पवन सिंह ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और जिन लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देख लिया है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में कैसा लग रहा है।